इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO के कुछ सिस्टम के बारे में, स्पेशली अस्त्र मार्क 2 को लेके बात करेंगे और कुछ जो नए वेपन इंटीग्रेट हुए हैं IEF के मिराज 2000 पे उनको लेके भी बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि IEF की जो एनिवर्सरी है 90th एनिवर्सरी वो 8 अक्टूबर को आने वाली है और उसकी जो तैयारियां है वो चल रही है। जो फ्लाइंग डिस्प्ले है वो चंडीगढ़ में आपको दिखेंगे। IEF का यहाँ पे प्लान ये है कि सेलिब्रेशन को भारत के हर लोकेशन पे प्रत्येक ईयर चेंज करके युवाओं को IEF ज्वाइन करने के लिए अट्रैक्ट किया जाए, तो ये भी प्लान है। और इसी प्लान के अंतर्गत पहली बार जो सेलिब्रेशन है वो चंडीगढ़ गया है। इसी मौके पे जो एक फुटेज है IEF ने रिलीज की थी और उस वीडियो में कुछ जो नए क्लिप है दिखे हैं आपको, उसी में जो DRDO का अस्त्र मार्क 2 है जिसके टेस्ट फायरिंग को लेके काफी समय से इंतजार था और संभावनाएं ये थी कि प्रॉब्लम जो टेस्ट फायरिंग है वो कंडक्ट हो गई है, और वही कुछ आपको वीडियो में दिखा है जहाँ पे अस्त्र मार्क 2 का जो एक क्लिप है Su-30MKI से लॉन्च होते हुए वो आपको दिखा है। तो यहाँ पे जो अस्त्र मार्क 2 है वो एक इजेक्टर लॉन्चर से लॉन्च होते हुए दिखा है, और यहीं पे जो अस्त्र मार्क 1 है वो भी आपको दिखा है एक नए लॉन्चर से और वो भी एक इजेक्टर लॉन्चर था। तो क्लिप में आपको दोनों मिसाइल दिखी है, अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2, जहाँ पे जो आपका अस्त्र मार्क 1 है उसको पहली बार दिखाया गया है एक इजेक्टर लॉन्चर से लॉन्च होते हुए। तो प्रॉब्लम जो इजेक्टर लॉन्चर का कॉन्फ़िगरेशन है वो आप दो केसों में इस्तेमाल करते हो, या तो आपकी मिसाइल हैवी है या फिर जो उसकी लॉन्चिंग है वो आप उस पायलन से कर रहे हो जो कि नजदीक है एयरक्राफ्ट के इनलेट के। तो यहाँ पे हम अस्त्र मार्क 2 को लेके बात करेंगे जिसकी जो सिमिलैरिटी है लुक वाइज वो एग्जैक्ट वही है जो आपके अस्त्र मार्क 1 का है, लेकिन जो इसका प्रोपल्शन सिस्टम है वहाँ पे एक एडिशन हो गया है एक और पल्स मोटर का, जिसके बारे में हम सभी अवेयर हैं ये एक डुअल पल्स मोटर बेस्ड मिसाइल होने जा रही है। तो जो एक एडिशनल पल्स मोटर है वो यहाँ पे जुड़ चुका है, तो यहाँ पे कहने की जो मिसाइल की लेंथ होगी और डाया होगा वो हल्का सा आपको ज्यादा दिखेगा मिडिल में, क्योंकि वीडियो में भी आपको दिख रहा है कि जो मिसाइल की फोर बॉडी है वो डायमीटर में हल्का सा कम है मिडिल बॉडी के। तो ये जो मेन डिफरेंस है वो आपको अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 में दिखेगा, अदरवाइज जो मिड बॉडी फिन है वो दोनों ही मिसाइल में आपको दिखती है। जो ट्रेपेजॉइडल फिन है लार्जर आउटबोर्ड एज के साथ वो दोनों में आपको दिख रहा है, दोनों में जो क्रॉप डेल्टा विंग है वो दिख रहे हैं। यहाँ पे जो अस्त्र मार्क 2 है उसके फिन और फिक्स्ड विंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रखी गई है जो आपका अस्त्र मार्क 1 था, और इसने आपको हेल्प की है कम समय में अस्त्र मार्क 2 को डेवलप करने में, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है विंग और फिन का वो आपने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। यहाँ पे फिन दिए गए हैं वो एक्चुएटेड हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट को हिट करने में। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 में वो काफी आपको कम दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो रेंज रहेगी वो हायर आपको मिलेगी अस्त्र मार्क 2 में जो कि 160 किलोमीटर से ऊपर की रहेगी, वो अस्त्र मार्क 1 में 110 की है। जो डुअल डेटा लिंक है मिसाइल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सीका है KU बैंड सीका वो यहाँ पे एक ISA सीकर रहने वाला है जो कि फुल इंडिजिनस सीका है, जहाँ पे सीकर को लेकर जो रेंज रहेगी वो 13 किलोमीटर से ऊपर की रहेगी एक 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए, जिसको वो लॉक कर सकता है 13 किलोमीटर पे। इसका सीकर सक्षम है किसी एक लाइव टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में। तो ये जो KU बैंड सीका था पहले ISA सीकर नहीं था, लेकिन यहाँ पे DRDO ने ISA वेरिएंट में जो KU सीका है वो डेवलप कर लिया है और प्रोडक्शन के लिए तैयार है। अस्त्र मार्क 2 का यहाँ पे एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा, ये एक डुअल पल्स मोटर है डुअल पल्स प्रोपल्शन है, तो कहीं ना कहीं एंड गेम में जाकर इसके पास पर्याप्त एनर्जी होगी कि एक ऐसा टारगेट जो कि हाईली मैन्यूवरेबल है उसको भी हिट कर पाए, उतनी एनर्जी इसके पास रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो किल प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे हायर मिलेगी मैन्यूवरेबल टारगेट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आपका अस्त्र मार्क 2 है उसके डेवलपमेंटल ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे हैं, और ये जो प्रॉब्लम फुटेज है ये फ्लाइट रिलीज के टेस्ट के टाइम पे ली गई होगी, तो जो ऑफिशियल टेस्ट है वो भी आपको दिखेंगे जल्द ही। इसी वीडियो में कुछ और डिटेल के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपके मिराज 2000 पे कुछ नए मिसाइल आपको इंटीग्रेट दिखे हैं, जैसे कि जो मीका IR है और मीका RF है दोनों आपको यहाँ पे इंटीग्रेट दिख रहे हैं, और यहीं पे जो स्पाइस 2000 है वो भी आपको दिख रहा है। मीका IR में हम सभी जानते हैं कि इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है, और मीका EM में जो एक्टिव सीकर है RF सीकर वो लगा हुआ है। इनके रेंज की बात करोगे तो जो ऑपरेशनल रेंज है एयर लॉन्च के टाइम पे वो अप टू 60 किलोमीटर है, और इनमें गाइडेंस के लिए इनर्शियल गाइडेंस और डेटा लिंक दोनों दिए गए हैं, और टर्मिनल फेज में जो IR वेरिएंट वहाँ पे IR सीकर दिया गया है, जो EM वेरिएंट है यानी कि RF वेरिएंट है वहाँ पे एक्टिव सीकर दिया गया है। तो क्लोज कॉम्बैट डोमेन में पावर पैक्ड आपका मिराज 2000। इसे में हम बात कर लेते हैं IEF चीफ के बारे में, जिनके कुछ जो स्टेटमेंट है वो आज ही कंडक्ट किए गए प्रेस रिलीज में आपको दिखा है। IEF चीफ का यहाँ पे स्टेटमेंट है कि हाल ही में जो आपके MiG-21 है उनका फेज आउट होना शुरू हुआ है, और जो श्रीनगर बेस्ड स्क्वाडन नंबर 51 है MiG-21 बाइसन का वो रिप्लेस किए जा रहे हैं MiG-29 UPG से। ये एक नया डेवलपमेंट है। ACM का यहाँ पे मानना है कि जो भी आपके जैगुआर्स होंगे उनके साथ साथ मिराज और सभी के सभी जो MiG-21 है वो 2030-32 तक फेज आउट हो जाएंगे। तकरीबन जो 12 स्क्वाडन होगा वो फेज आउट होने वाला है। IEF चीफ ने यहाँ पे तेजस मार्क 1 को लेकर भी बात की है और तेजस मार्क 1 को लेकर भी बात की है कि लगभग 16 जो तेजस मार्क 1 है ISA वेरिएंट वाले वो डिलीवर हो चुके हैं, और 14 के नंबर में जो FOC वेरिएंट है वो इंडक्ट कर लिए गए हैं IEF के द्वारा।
तो जो टोटल नंबर है तेजस का अभी करंट में वो 30 का नंबर इंडक्ट हो चुका है, 2 ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं HAL के द्वारा और टेस्ट करके जल्दी उनको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो जो 32 का नंबर है तेजस मार्क 1 का वो कंप्लीट हो चुका है और जो मैन्युफैक्चरिंग है तकरीबन 18 ट्रेनर की वो HAL शुरू करने जा रही है, जिनकी जो डिलीवरी है वो 2023 के मिड तक कंप्लीट कर दी जाएगी। इसी में चीफ ने MRFA के बारे में भी बात की है कि MRFA को लेकर IAF काफी फॉर्म है, MRFA के जो ASQR है फॉर्मुलेट कर लिए गए हैं और अभी जो भी OEM है उनसे ये मांग की जा रही है कि ज्यादातर जो कंटेंट हो वो इंडिजिनस दिए जाएं। एमका और तेजस मार्क 2 को लेके IAF काफी सर्टेन है और इन दोनों ही प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है और 6 स्क्वाड्रन का जो इनिशियल ऑर्डर है वो तेजस मार्क 2 को IAF देगी, ये भी क्लियर किया गया है। तो ये कुछ आपको डेवलपमेंट देखने को मिले हैं आज कंडक्ट किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।